एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं हरीश कंगवार और स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर की कहानी द डायमंड नेकलेस, जिसको लिखा है गाय डे मोपासां ने, एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर, बहुत ही फेमस। आज मैं इसकी समरी लेकर आया हूँ आपको हिंदी में पूरी कहानी समझाने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको हेडिंग वाइज बनाया है आपके लिए। तो इसमें हमारा पहला हेडिंग है द न्यूली मैरिड कपल, यानी एक कपल होता है, एक जोड़ा होता है जिसकी नई नई शादी हुई होती है, जिसमें आदमी का नाम होता है मॉन्सियर लॉइजल यानी मिस्टर लॉइजल, और उसकी वाइफ का नाम मैटिल्डा, यानी वो बाद में मैटिल्डा लॉइजल हो जाती है। तो मैटिल्डा लॉइजल अपने पति के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी, और उसका पति एक क्लर्क के रूप में काम करता था शिक्षा विभाग में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। वो बहुत ही ज़्यादा अमीरी की ज़िंदगी, रईसी की ज़िंदगी जीने वाले नहीं थे, यानी उसका जो पति था इतना अधिक नहीं कमाता था कि बहुत शान और शौकत की ज़िंदगी वो जी पाए। लेकिन मैटिल्डा की जो हमेशा से इच्छा थी, डिज़ायर थी, वो अमीर बनने की थी, बड़े बड़े शौक करने के लिए। इसलिए वो हमेशा इरिटेटेड, डिसअपॉइंटेड फील करती थी और दुखी रहती थी। उसके बाद ये सोचकर कि मतलब उसके पास कोई बड़ा घर नहीं है, इसके अलावा अच्छे ड्रेसेस पहनना, बहुत सारे गहने होना, इन सब चीज़ों की इच्छा रहती थी, और ये सब ना होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। उसके बाद क्या होता है, एक दिन आता है, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, इनविटेशन टू अ पार्टी, यानी कि उसका जो पति होता है मिस्टर लॉइजल एक इनविटेशन लेकर आता है उधर से लौटकर। एक बहुत ही शानदार पार्टी होती है, फैंसी पार्टी। उसने सोचा कि उसकी बीबी पार्टी का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, लेकिन खुश होने के बजाय उसने लेटर को पटक दिया ज़ोर से और मुँह फुलाने लगी, रोने लगी, ये कहकर कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, और इतनी बड़ी पार्टी होगी तो मैं क्या करूँगी पार्टी में जाकर, मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। क्योंकि औरतों की जो आदत होती है कि पार्टी में सब उन्हें एडमायर करें, सब उन्हीं की तरफ देखें, तो वही इच्छा उसकी भी थी। तो इसलिए उसके पति ने 400 रुपये उसे दिए एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीदने के लिए। 400 रुपये उस दिनों में काफ़ी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, यानी 400 रुपये उसने राइफ़ल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। तो राइफ़ल जमा करने के लिए रखे थे तो आप सोच सकते हैं कि 400 रुपये की क्या वैल्यू रही होगी। नेक्स्ट, जब उसकी ड्रेस की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो बाद में वो चाहती है ज्वेलरी, यानी गहने भी होना चाहिए, भाई पार्टी में जाना है तो गहने भी दिखाने हैं। तो जैसे जैसे पार्टी का हफ्ता नज़दीक आ रहा था तो उसकी वाइफ यानी मैटिल्डा बहुत ही ज़्यादा चिंतित लगने लगी। वो ये सोचकर अपसेट हो रही थी कि ड्रेस के साथ पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। उसके पति ने ये सजेस्ट किया और उससे ये सुझाव दिया कि जीन फॉरेस्टर यानी उनके एक फ्रेंड हैं, उनके यहाँ पर जाकर हम कुछ गहने उधार ले लेंगे। मैटिल्डा भी उनके घर गई और एक बहुत चमकदार नेकलेस लेकर आ गई, यानी उधार उन्होंने एक नेकलेस ले लिया डायमंड का। उसके बाद वो पार्टी में जाती है और नेकलेस खो जाता है। तो मैटिल्डा उसके पति के साथ पार्टी में खूब इंजॉय करती है, पार्टी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही क्योंकि वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही, यानी जो कि हर महिला चाहती है। उसके बाद वो काफ़ी लेट नाइट में, यानी सुबह के समय में, पार्टी को ओवर करने के बाद सुबह के समय में घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो मैटिल्डा चौंक जाती है कि नेकलेस तो उसके गले में था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं रास्ते में गिर गया होगा, तो पूरा रास्ता उन्होंने ढूंढा, गलियां छान मारी, लेकिन उन्हें नेकलेस नहीं मिला। उसके बाद हैड टू बाई अ न्यू नेकलेस, उन लोगों को एक नया नेकलेस खरीदना पड़ा। यानी उसने पुलिस के पास भी जाकर इन्फॉर्मेशन दी लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसलिए उसके पति ने मैटिल्डा से कहा कि अपनी जिससे तुम उधार लेकर आई हो हार, अपनी फ्रेंड से, उनको एक लेटर लिखो, और लेटर में उसने ये लिखा
जो हार है, हार का एक जो कुंडा है फांसने का, वो टूट गया है, इसकी रिपेयरिंग करा के हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन सच तो कुछ और ही था। तभी वो ढूंढने में लग गए एक नया हार, और सेम टू सेम वही हार उनको मिल भी गया, एक ओरिजिनल असली हार, लेकिन इसकी कीमत थी 36,000 francs, 30,000 यानी 36,000 रुपये, फ्रैंक्स वहाँ उस देश की मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो उसके पति के पास लगभग 18,000 यानी 18,000 francs थे, जो उसके पिता छोड़कर चले गए थे, 18,000 रुपये। उसके अलावा जो रिमेनिंग मनी यानी और 18,000 उसे उधार लेना पड़ा, और बचे खुचे पैसे जो उनके पास थे प्लस उतने ही पैसे और उधार लिए, और तब उन्होंने वो हार खरीदा। तो कितना बड़ा कर्ज उनके सर पर हो गया था ये कौन समझ सकता था। और 10 साल का समय लगा उन्हें वो उधार लिया गया पैसा चुकाने में, और उन सालों में उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। अब वो फ्लैट छोड़कर छोटे से अपार्टमेंट में आ गए थे। मैटिल्डा खुद से ही घर को साफ़ करती थी, खुद खाना पकाती थी, और उसके हस्बैंड को एक क्लर्क की जॉब करने के अलावा बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे काम करने पड़े। अब वह स्ट्रांग वूमन नहीं दिख रही थी, मतलब एक स्ट्रांग वूमन दिख रही थी लेकिन पुअर हाउस होल्ड की, यानी किसी गरीब घर की और मजबूत कद काठी की औरत, यानी जो काम करते करते काफ़ी स्ट्रांग बन जाती है। और वो धीरे धीरे एजड भी दिखने लगी, यानी एक हार की इच्छा की वजह से, अपनी ब्यूटी को दिखाने की वजह से अब उसके पास वो ब्यूटी ही नहीं रही। तब एक चौंकाने वाला खुलासा यानी द शॉकिंग रिवीलेशन क्या होता है, एक दिन उसने देखा कि मिस जीन फॉरेस्टियर यानी जिससे हार उधार लिया था, तो उन्होंने सोचा कि इनको सच्चाई बता दें नेकलेस के बारे में। लेटर मतलब जीन फॉरेस्टर जिनका हार लिया गया था, वो बाद वाली महिला, ठीक है। फार्मर और लेटर शब्द का प्रयोग किया जाता है, फार्मर यानी पहला व्यक्ति, लेटर यानी दूसरा व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर ये सुनकर हैरान रह गई कि पहले वाले ने जो कहानी बताई उसके अलावा, और उसके मतलब उनकी शक्ल देखकर हैरान रहेंगी कि ये मैटिल्डा कैसी थी, एकदम चमकदार सुंदर थी, और आज इसकी हालत क्या हो गई है। उसके अलावा जब उसे नेकलेस की सच्चाई पता चली तो जीन फॉरेस्टियर ने बताया कि ये जो नेकलेस था वो तो फेक था, नकली था, ठीक है। जैसे हमारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना गारंटी वाला, नकली हार, असली के जैसे दिखने वाला। द वर्थ ऑफ द सेम वॉज नो मोर देन 500 francs, यानी उसने कहा कि मुश्किल से 5,000 का रहा होगा, और उन्होंने कितने का ख़रीदा नया असली हार, 36,000 का। कंक्लूजन ऑफ द डायमंड नेकलेस, तो कंक्लूजन क्या है, ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें लग्जरीज के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, यानी हमें इतनी बड़ी तलब किसी भी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए कि जिस तलब की वजह से या इच्छा की वजह से हम बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुँच जाएँ। हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए जो भी हमारे पास है उस चीज़ों से। डिज़ायर्स इंसान की इच्छा, इंसान की तलब उसे अनहैप्पीनेस की ओर ले जाती है, यानी उदासी और दुख की ओर ले जाती है। उसके अलावा हमें कभी भी सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। तो ये थी स्टोरी द डायमंड नेकलेस की। उसके अलावा मैं अलग से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी सुख संसाधन हैं, या किसी भी महिला का पति जितने भी पैसे कमा कर लाता है, उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में उसको गुजारा करना चाहिए। किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए कि इसके पास इतना बड़ा मकान है, उनके पास कार है, उस महिला के पास बहुत सारे आभूषण हैं, तो ऐसे मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आप ऐसी इच्छा करेंगे, किसी दूसरे के पैरों में पैर डालना चाहेंगे, तो यही होता है, लास्ट में बर्बादी कगार पर पहुँच जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम।